हे एवरी वन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में हार्ट की एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी और हार्ट की एनाटॉमी में हमने एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है। अपेक्स प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है ना। इसमें चार सर्फेसेस प्रेजेंट होती है, चार बॉर्डर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रूव्स प्रेजेंट होता है और एक बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें से मैंने आपको डिटेल में क्या पढ़ा दिया है, ग्रूव्स पढ़ा दिया है, जिसको हम सल्काई भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितने ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं? तीन ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो कौन सा ग्रूव प्रेजेंट होता है? इंटर एट्रियल ग्रूव, जो कि क्या करता है, दोनों एट्रिया को सेपरेट करता है। दूसरा कौन सा ग्रूव प्रेजेंट होता है? इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो कि क्या करता है, दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और तीसरा ग्रूव हमने क्या देखा था, कौन सा देखा था, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो कि क्या करता है, एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको बेस पढ़ा दिया था और मैंने आपको बताया था कि बेस जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है हार्ट का। ठीक है, और ये जो बेस है वो दोनों एट्रिया कंट्रीब्यूट करते हैं बेस में। ठीक है, और बेस जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर सरफेस ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ठीक, और याद रखना आपका जो हार्ट है वो डायफ्राम पर किसके द्वारा रेस्ट करता है, तो डायफ्रामेटिक सरफेस के द्वारा। कई स्टूडेंट क्या टिक करके आते पता है, बेस को टिक करके आ जाते, लेकिन वो चीज़ क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि बेस जो होता है वो क्या होता है, ऐसा करके आप देखेंगे तो पीछे की तरफ चल जाएगा। अगर आप पिरामिड शेप देखते हैं हार्ट का, अगर आप पिरामिड को गिराएंगे तो आपका जो बेस है वो किधर चल जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, और नीचे जो आएगा वो कौन सा आएगा, डायफ्रामेटिक सरफेस आएगा। और इसी डायफ्रामेटिक सरफेस से क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है वो डायफ्राम पर रेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में आपको बताई थी। तो अगर आप में से किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देख कर आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बॉर्डर पढ़ने वाले हैं और सरफेसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बॉर्डर्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि चार बॉर्डर प्रेजेंट होती है। एक तो आपकी कौन सी, इन्फेरियर बॉर्डर, दूसरी आपकी कौन सी, सुपेरियर बॉर्डर, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेरियर बॉर्डर की। ठीक, तो इट इज अ शार्प एज बिटवीन द एंटेरियर एंड डायफ्रामेटिक सर्फेस। ठीक है, तो अगर आप इन्फेरियर बॉर्डर को देखेंगे तो एक इन्फेरियर बॉर्डर होती है किसके बीच में प्रेजेंट होती है, डायफ्रामेटिक सरफेस और आपके एंटेरियर सरफेस के बीच में प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं बनाऊं, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, एंटेरियर सरफेस है और ये आपका मान लो डायफ्रामेटिक सरफेस है। ठीक है, तो अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको ये जो दिखाई दे रही है ये आपको क्या दिखाई देगी, इंफेरियर बॉर्डर दिखाई देगी। ठीक है, मेनली फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आप इंफेरियर बॉर्डर को देखेंगे तो इंफेरियर बॉर्डर में मेनली किससे कंट्रीब्यूशन होता है, इसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, तो राइट वेंट्रिकल। ठीक, चलिए आप डायग्राम के थ्रू देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आप देखिए, है ना, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल और ये आपका क्या है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, और ये वाला जो पूरा सरफेस है ये आपका कौन सा सरफेस है, दिस इज योर एंटीरियर सरफेस, है ना, ये आपका कौन सा सरफेस है, ये आपका एंटेरियर सरफेस है। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है, दिस इज योर, ये आपका क्या है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कौन सा सरफेस है, दिस इज योर डायफ्रामेटिक सरफेस, ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा सरफेस है, डायफ्रामेटिक सरफेस है। ठीक है, तो ये डायफ्रामेटिक सरफेस और ये आपका एंटेरियर सरफेस है, इसके बीच में ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इन्फेरियर बॉर्डर। ठीक है, तो आप इन्फेरियर बॉर्डर को देखेंगे तो इन्फेरियर बॉर्डर में मेनली जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल भी बना रहा है, देखिए आप यहाँ पर, और कुछ पोर्शन जो है आपका ये जो राइट एट्रियम है इसके द्वारा भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन मेनली जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका राइट वेंट्रिकल कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली बॉर्डर। तो अगली बॉर्डर कौन सी है,
अगली बॉर्डर यहाँ पर बताइए आपको कौन सी, राइट बॉर्डर, जो किसके द्वारा बनती है, विच इज फॉर्मड बाय राइट एट्रियम सुपेरियर वेना कैवा और इन्फेरियर वेना कैवा, ठीक है। और राइट एट्रियम सुपेरियर वेना कैवा इन्फेरियर वेना कैवा से एक लाइन गुजरती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको राइट एट्रियम पढ़ना हो, मतलब जब आप क्या करेंगे, डाइसेक्शन वॉल में जाएंगे और अगर आपको राइट एट्रियम देखना है, ठीक है, तो हाफ हार्ट को लेंगे, तो राइट एट्रियम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा हार्ट को, ठीक है। तो हार्ट को जो कट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इसी सल्कस टर्मिनलिस से करते हैं, तभी आप क्या करेंगे राइट एट्रियम में इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये जो सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है, एक लाइन प्रेजेंट होती है कहाँ पर, राइट एट्रियम सुपेरियर वेना कैवा और इन्फेरियर वेना कैवा, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट बॉर्डर की, तो सेपरेट द एंटेरियर फ्रॉम द लेफ्ट सर्फेस, क्या कहते हैं, एंटेरियर सर्फेस और लेफ्ट सर्फेस के बीच में प्रेजेंट होती है, एक्सटेंड फ्रॉम लेफ्ट ओरिकल, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से क्या करती है, एक्सटेंड करती है और कहाँ तक जाती है, अपेक्स तक जाती है, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा अभी, है ना। फॉर्मड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्मॉल अपर पार्ट बाय लेफ्ट ओरिकल, ठीक है। तो मेजरली जो ये वाली बॉर्डर होती है लेफ्ट बॉर्डर, वो किसका कंट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, और कुछ पोर्शन यानी कि स्मॉल पोर्शन जो होता है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट करती है, वो लेफ्ट ओरिकल। तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, इधर आइए आप यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या राइट वाली अच्छे से दिखेगी, पहले पूरा मिटा देता हूँ। तो देखिए ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका सुपेरियर वेना कैवा है ना, ये आपका क्या है, दिस इज योर राइट एट्रियम, और ये आपका क्या है, इन्फेरियर वेना कैवा है, ठीक है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, सुपेरियर वेना कैवा से पास हो रही है राइट एट्रियम और यहाँ पर क्या, इन्फेरियर वेना कैवा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज योर राइट बॉर्डर, है ना। फिर ये आप देखिए, ये जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी लेफ्ट बॉर्डर हो जाएगी, जो कि कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपका एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है और आपका एक तो क्या कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये कहाँ से एक्सटेंड कर रही है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, ये देखिए, ये अपेक्स तक एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन कौन बना रहा है, ये मेजर पोर्शन देखिए, मेजर पोर्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर लेफ्ट बॉर्डर, और ऊपर जो है, ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कौन सी बॉर्डर है, ये जो मैं ऊपर बना रहा हूँ, ये आपकी कौन सी बॉर्डर है, सुपेरियर बॉर्डर है, जो कि मेजर किससे बनती है, ये मतलब जो कि किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होती है, दोनों ओरिकल के द्वारा, ठीक है, ये वाली दोनों दो ओरिकल के द्वारा, ये तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज योर सुपेरियर बॉर्डर, ठीक। ये वाली आपकी राइट बॉर्डर, ये आपकी लेफ्ट बॉर्डर, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी इन्फेरियर बॉर्डर। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी बॉर्डर प्रेजेंट होती है, चार बॉर्डर प्रेजेंट होती है, ठीक। चलिए अब आप किसको देखेंगे, अब हम सर्फेसिस को पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए आप, अपर बॉर्डर ऑब्लिक होती है और मेजर किससे बनती है, दो एट्रिया के द्वारा बनती है, चिफली जो होता है उसमें भी कौन सा होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सर्फेसेस की, तो यहाँ पर कितने सर्फेस प्रेजेंट होती है, चार सर्फेसेस प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका एंटेरियर सर्फेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम स्टर्नोकोस्टल सर्फेस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट एंटेरियरली क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्ना और कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, इसीलिए इस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी बोल देते हैं, ठीक। मेनली फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल, है ना, तो मेनली आपका जो एंटेरियर सरफेस होता है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, तो राइट वेंट्रिकल, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम ऑन राइट, है ना। तो देखो मेजरली जो होता है वो किसके द्वारा होता है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा होता है, फिर साथ में यहाँ पर राइट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरिकल, यानी कि अगर आप एंटेरियर सरफेस को देखेंगे तो एंटेरियर सरफेस में आपको चारों चेंबर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर राइट एट्रियम भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेजरली जो होता है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, आपका राइट वेंट्रिकल, जो कि कितना होता है, 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए आपको समझ में आएगा, है ना, इसको मिटाता हूँ। तो देखिए
फिर से हम मार्क करते हैं, तो ये आपका क्या है राइट एट्रियम है, ये आपका क्या है राइट वेंट्रिकल है, ये आपका क्या है लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंटीरियर सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, एंटीरियर सरफेस। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखिए राइट एट्रियम भी प्रेजेंट है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम भी और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन मेजरली जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका, मेजरली जो है वो राइट वेंट्रिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, तो ये आपका कौन सा सर्फेस हो जाएगा, दिस इज योर एंटीरियर सर्फेस। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डायफ्रामेटिक सर्फेस की। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको मैंने यही चीज़ बोली थी कि डायफ्रामेटिक सर्फेस से ही हार्ट जो होता है वो क्या करता है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पर रेस्ट करता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या टिक करके आ जाते हैं, पोस्टेरियर सर्फेस को टिक करके आ जाते हैं, यानी कि बेस को टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक, तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आपका जो हर्ट होता है वो डायफ्राम पर किसके द्वारा रेस्ट करता है, वो डायफ्रामेटिक सरफेस के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको वही मिलेगा, इसे हम इन्फेरियर सरफेस ही बोलते हैं, और हर्ट जो होता है रेस्ट करता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पर किसके द्वारा, इस डायफ्रामेटिक सरफेस के द्वारा। लेफ्ट और किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, तो लेफ्ट 2/3 फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट 1/3 फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल। यानी कि डायफ्रामेटिक सरफेस जो होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, यानी कि किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है इसका, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स के द्वारा, है ना, राइट वेंट्रिकल और क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें से अगर हम मेजरली देखें तो लेफ्ट टू थर्ड जो होता है किसके द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। तो मेजरली जो कि कितना होता है 2/3 होता है किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है डायफ्रामेटिक सरफेस पर, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। तो आप देखिए, आप डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये तो आपका क्या है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका क्या है, दिस योर राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने यहाँ पर बताया भी आपको, है ना, तो ये वाला जो पूरा दिखाई दे रहा है, दिस इज योर डायफ्रामेटिक सरफेस, ये आपका जो पूरा दिखाई दे रहा है ये क्या है, डायफ्रामेटिक सरफेस है, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए डायफ्रामेटिक सरफेस जो है किसके द्वारा कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल के द्वारा, राइट वेंट्रिकल के द्वारा और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। और दोनों वेंट्रिकल में भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, जो कि कितना कर रहा है 2/3, और 1/3 जो होता है किससे बन रहा है, वो आपका राइट वेंट्रिकल से बन रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर, हाँ, दिस सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ हार्ट बाय कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डायफ्रामेटिक सरफेस है, इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो ये जो डायफ्रामेटिक सरफेस जो है वो बेस से सेपरेटेड है किसके द्वारा, कोरोनरी साइनस के द्वारा। तो अगर मैं कोरोनरी साइनस बताऊँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको ये दिखाई दे रही है, ये कोरोनरी साइनस है। ठीक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव के भी कौन से पार्ट में, पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर। तो ये आपको दिखाई देगा कोरोनरी साइनस। ये जो कोरोनरी साइनस होती है वो क्या करती है, इस बेस को इस डायफ्रामेटिक सरफेस से क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट, इसके जस्ट नीचे, यानी कि डायफ्रामेटिक सरफेस के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, फंडस ऑफ स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए लेफ्ट सरफेस की बात करते हैं, फॉर्म्ड मेनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ओरिकल। ठीक, और राइट सरफेस की बात करते हैं, फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, आपका जो राइट सरफेस की अगर हम बात करते हैं, बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है, सरफेस की बात कर रहा है, तो किससे कंट्रीब्यूट होता है, ओनली बाय राइट एट्रियम। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देखिए, है ना, इस डायग्राम को देखिए, तो ये वाला देखिए, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर राइट सरफेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका राइट एट्रियम, तो राइट सरफेस जो होता है मेनली फॉर्म बाय राइट एट्रियम। ठीक, और इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे, इधर वाला सरफेस होगा, ये क्या होगा आपका, लेफ्ट सरफेस होगा। ठीक है, और लेफ्ट सरफेस जो होता है वो किससे कंट्रीब्यूट होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरिकल। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी आपको दी हुई है, मतलब जो कि आपको पॉइंट दी यहाँ पर मेन, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, 2/3 ऑफ बेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड 1/3 बाय, हाँ, तो अगर हम बेस की बात करते हैं, ठीक है,
अगर हम बेस की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो बेस होता है वो किससे बनता है, दोनों एट्रिया से बनता है, दोनों एट्रिया से बनता है। उसमें भी मेजर पोर्शन जो होता है, दोनों एट्रिया में मेजर पोर्शन जो होता है कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो आपका लेफ्ट एट्रियम मेजर करता है जो कि कितना होता है 2/3, और आपका जो राइट एट्रियम जो होता है वो 1/3 बनाता है, ठीक है, बेस का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2/3 ऑफ डायफ्रामेटिक सर्फेस, अगर हम डायफ्रामेटिक सर्फेस की बात करते हैं तो 2/3 पोर्शन जो होता है डायफ्रामेटिक सर्फेस का वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट करता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, और 1/3 जो होता है राइट वेंट्रिकल के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और 2/3 ऑफ स्टर्नोकोस्टल सर्फेस, अगर आप स्टर्नोकोस्टल सर्फेस को देखेंगे यानी कि आप एंटेरियर सर्फेस को देखेंगे, तो इसका जो 2/3 यानी कि मेजर पोर्शन जो होता है किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा, एंड 1/3 जो होता है इसके द्वारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ तो आपको मैंने बताई थी कि 2/3 ऑफ हार्ट जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट टू मिड लाइन, एंड 1/3 जो होता है वो राइट टू मिड लाइन, जिसके मान लो यहाँ पर मैंने क्या बनाई है, स्टर्नम बनाई, तो यहाँ पर क्या है आपकी मिड लाइन है, ठीक है। तो 2/3 पोर्शन जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हार्ट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, तो मिड लाइन के इधर जो होगा वो कितना पार्ट होगा हार्ट का, 2/3, और इधर जो होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा, ठीक है। चलिए अब क्रक्स ऑफ हार्ट क्या होता है, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ग्रूव्स, मैंने आपको बताया था तीन ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये तीनों ग्रूव्स जो होते हैं जहाँ पर मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया है, हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को देख लिया है। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपको कोई डाउट होता है व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। शुरुआत का जो लेक्चर होता है इसमें थोड़ा मैं स्पीड को स्लो रखता हूँ, अब हम क्या करेंगे आगे के जो लेक्चर आपको खटाखट मिल जाएंगे, और अगले 2 से 3 दिन में हम क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और मैं कल क्या करूँगा, चरक संहिता के जो नोट्स है वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगले 1-2 दिन में हम क्या करेंगे, अब देखो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चरक का जो 4th चैप्टर वहाँ पर आपको महाकसाई के नाम दिए हैं, तो मेरे को लगता है वहाँ पर ज़्यादा इतना समझाने का नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको उसके लेक्चर भी दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद के जो चैप्टर है वो समझाने वाले हैं, है ना। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको 4th चैप्टर के नोट्स दे दूँ, और बाकी के जो है बाकी जो चैप्टर उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, मतलब लेक्चर के साथ, क्योंकि वो समझाने लायक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, मैं आऊँगा और भाई बस नाम पढ़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। हालांकि मैं लेक्चर दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब अपना टर्म 2 का पूरा सिलेबस हो जाएगा, यानी कि 10 चैप्टर पूरे मैं आपको समझा दूँ, सारे लेक्चर अपलोड कर दूँ, उसके बाद में 4 चैप्टर को आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखो जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो कल तो मैं उसके नोट्स अपलोड कर दूंगा, उसके बाद अगर मेरे को लेक्चर लेना होगा तो मैं लेक्चर ले लूँगा, अगर नहीं लेना होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दूंगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने आज क्या देखा, एक्सटर्नल फीचर को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइट एट्रियम को देखेंगे, उसके बाद हम वेंट्रिकल्स को पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद वॉल्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसकी एरिकार्डियम को देख लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, हार्ट का जो टॉपिक है यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।